हाँ शानू, कैसा लग रहा है आप करोड़पति बनने के बाद आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मधुबनी जिला में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था क्रिकेट के बारे में, मैं कुछ जानता भी था क्रिकेट के बारे में, इसीलिए मुझे थोड़ा नॉलेज भी था, इसी कारण मैं कभी कभी लगाता था, 5-6 महीने से लगा रहा था। फिर किस्मत का तो कोई ठीक ही नहीं रहता है, कभी किस्मत में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता है। अच्छा, जब आपने सुना कि आप करोड़पति बन चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा था उसको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं करोड़पति बन गया। मुझे लग रहा था कि मेरे माता पिता, जब मैंने बोला तो माता पिता को लग रहा था कि ये सब जो है गलत है, बेकार है। फिर मैं बैंक में गया तो फिर हाँ, मुझे पता चला कि हाँ ये ठीक है, सब कुछ ये असलियत में है। अच्छा, शानू करोड़पति बन चुका है, अब इतने रुपयों से सबसे पहला काम क्या करने जा रहा है? सबसे पहला काम पढ़ाई करेंगे, बढ़िया 12th ग्रेजुएशन सब करेंगे और क्रिकेट में ज्यादा ध्यान देंगे, आगे जाके कहीं क्रिकेट में फोकस ज्यादा रहेगा। और पापा को हेल्प भी करेंगे, और जो मेरे तरफ से हेल्प होगा पापा का वो तो हम करेंगे ही। आपको जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ड्रीम इलेवन एक यह है कि यह एक किस्मत का चीज है, कभी किस्मत किसी को पलट जाए, कभी ना हो, कभी किसी को नुकसान, जैसे बिजनेस एक चीज होता है, बिजनेस में कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है, इसीलिए ये सोच समझ के किसी आदमी को अपना बेस्ट देना होगा, और बेस्ट का बेस्ट 11 होता है, तभी आप करोड़पति बन पाए। आपने टीम का जो चयन किया था, इससे पहले टीम को जानते थे या ऐसे ही करते? नहीं, जानते थे बहुत, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था उसमें, इंग्लैंड का भी कुछ खिलाड़ी था, सभी का डिटेल्स जानते थे, वो मैच भी खेलते थे, आईपीएल में भी खेलते थे, उसके बारे में जानता था, इसीलिए मैंने उसको लगाया और फिर जीता मैंने। पिता हमारे साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपके लड़के ने इस तरह से एक, आप तो बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस की बारीकियों को जानते हैं कि पैसा कमाना कितना कठिन है आज के इस दौर में, और अचानक से किस्मत का पासा पलटा है और आपके बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो सबसे पहला काम आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? पहला काम यही है कि बस उस बच्चे का ही जो फ्यूचर है, बच्चा जो कह रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, हमारी जो भविष्य है वो क्रिकेट में ही है, तो उसी में उनका सपोर्ट के लिए जो उसको यूज किया जाएगा। ठीक है।